हेलो दोस्तों, पूजा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पगड़ी मट्ठी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा लिया है। मैंने 2 कटोरी यहाँ मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक डालेंगे स्वादानुसार। देखिए हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन और कलौंजी। इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है मट्ठी में। तो ये बहुत इसकी स्वाद अच्छी होती है, डालने पे ये अच्छी लगती है मट्ठी। तो चलिए हम इसे अब मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी रिफाइंड तेल डालेंगे। इसे भी अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। याद रखिएगा, इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें हाथों के द्वारा मिक्स करना है, ताकि मैदा और तेल अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए और एक कंबाइंड तरीके से हाथ में आने लगे। देखिए देखिए, इसके ये आटे बंधने लगे हैं। ऐसे मुट्ठी में आप लेके करेंगे तो वो इस तरीके से नज़र आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हुई है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम पानी। मैं इस आटे को लगाऊँगी गरम पानी से। गरम पानी से लगाने से नमकीन मट्ठी बहुत अच्छी बनती है, बहुत करारी होती है और बहुत उसमें क्रंचीपन आती है। तो इसे आप हमेशा गरम पानी से आटे को लगाएं। अच्छे से मिक्स करें आटे को। मैं यहाँ पानी थोड़ा और लूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक परफेक्ट डो बनाएंगे हम। याद रखिएगा, हमें आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है, हमें टाइट आटा लगाना है, क्योंकि इसकी मट्ठी बनानी है हमें। देखिए देखिए, बहुत परफेक्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगाकर इसे फिर से मसलते हुए इसे गूथेंगे। देखिए मैं हाथ में रिफाइंड ऑयल लगा के अच्छे से फिर से गूथूंगी। देखिए यह आटा बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल, एक मट्ठी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आटा किस तरीके से हम लगाएं। देखिए बिल्कुल अच्छे से बनी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसे रख देंगे। मैं इसे ढक देती हूँ। पाँच मिनट हो चुका है। उसमें से मैंने एक लोई तोड़ ली है और मैं इसे एक पतली रोटी की तरह बेलूँगी। एकदम हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बेलना है इसे। देखिए इस तरीके से बेलें। बिल्कुल रोटी के आकार का हमें बेलना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसे ठीक थोड़ा और बेल लेते हैं। देखिए अब हम इसे पतली पतली स्ट्रिप में इसको कट करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल हमें ना ज़्यादा पतली काटनी है ना ज़्यादा मोटी, मीडियम साइज़ का एक पतली पतली स्ट्रिप काटनी है। बिल्कुल धीरे धीरे करें।
देखिए इस तरीके से हम पूरी रोटी में आटे को इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। देखिए मैंने इसको काट लिया है, साइड के हम थोड़े हटा देंगे क्योंकि वो छोटे होते हैं थोड़े, इसलिए। अब हम इसमें से 6-7 स्ट्रिप लेके ऐसे अपने हाथों की सहायता से, मैं यहाँ थोड़े से और ले लूँगी। अब देखिए इसको हाथ से दबाते हुए ऐसे गोल गोल घुमाते हुए, हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से, देखिए इस तरीके को अंदर फोल्ड कर देंगे हम और एक गोल शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे बनाने लेने हैं। इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से बनाएं, आपकी मुट्ठी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ बनाकर। ऐसे गोल गोल राउंड करते हुए घुमाते हुए बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लें और कॉर्नर को नीचे दबाते हुए गोल ऐसे बना लें। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ बनाकर तैयार कर ली हूँ, अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए मैंने एक डाला है, तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें सारी मट्टी को डाल देंगे। ध्यान से डालें, हमने यहाँ सारी मट्टी को डाल दिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक इसे पकाएंगे। मिट्टी को हमेशा मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और इसमें अच्छा क्रंची आए। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए हमारे अच्छे गोल्डन हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं मिट्टी हमारी। अब हम इसे छन्नी से छान कर निकाल लेंगे इसे प्लेट में। देखिए मैंने सारी मट्ठी को निकाल लिया है, निकाल लेती हूँ। मैंने सारी मट्ठी को निकाल लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। देखिए मट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और क्रंची बहुत है इसमें, बहुत खास्ता बना है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर देखिए देखिए बाकी मैंने एक अलग तरीके से भी बनाया है, सिंपल तरीके से। आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और शाम के चाय के साथ इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।